नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। हजारीबाग में पिछले 19 जनवरी को हुए एलएनटी कंपनी के कर्मचारी सत्येंद्र सिंह हत्याकांड का खुलासा हजारीबाग पुलिस ने कर दिया है। हजारीबाग पुलिस ने प्रेस वार्ता कर यह बताया है कि अमन साहू गिरोह के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके दो मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों अपराधी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओरिया के रहने वाले हैं, जिनके पास से कांड में प्रयुक्त 7 स्मार्टफोन, पल्सर गाड़ी और हथियार के साथ कुछ कागजात बरामद किए गए हैं। सभी को कुंडल बागी जाने के वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग के एसपी कार्तिक एस ने बताया है कि यह क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था। इनके द्वारा उनसे लगातार लेवी की मांग की जा रही थी, नहीं देने पर यह घटना किया गया एवं अन्य लोगों में दहशत का माहौल बनाया गया। आगे भी हम इस कांड में छापेमारी कर पूछताछ कर रहे हैं और भी खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। इनके पास से एक 9 mm का देसी पिस्तौल, 2 9 mm का जिंदा गोली, एक 9 mm का मैगजीन, एक वाईफाई राउटर बरामद किया गया है। अपराधी का नाम धर्मवीर शाह उर्फ पालजी है, जो कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं दूसरा अपराधी राकेश कुमार सदर प्रखंड के चतरा जिले का है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।